हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं और राहुल भैया ही हैं, बस हम दोनों ही हैं साथ में, और आज बाकी लोग हमारे साथ नहीं आए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं राहुल भैया की बाइक की सर्विस कराने। वो लगभग चल चुकी है 4000 प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम एक बार पहले भी गए थे और वहाँ सर्विस हो नहीं पाई थी क्योंकि ट्यूसडे की वजह से वो बंद था, और उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला, तो अब जाना हो रहा है तो आज करा के लाते हैं सर्विस। और आपको इसका जो भी सर्विस चार्जेस है ना, कॉस्ट आती है, वो हम आपको इसका दिखा देंगे। ये NS है 160, जैसा कि आपको पता है, और ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है जो प्लान कर रहे हैं NS 160 या 200 भी लेने का, क्योंकि लगभग सेम ही चार्जेस लगेंगे। और अगर कुछ आगे पीछे आता है ना, तो हम आपको बता देंगे कि NS 200 में या 160 में क्या उसकी कॉस्ट में क्या फ़र्क आता है। तो वीडियो में बने रहिए, मज़ा आने वाला है और एक मस्त खींच के राइड करेंगे, है ना। तो चलो अभी निकलते हैं। वैसे बाकी लोग आज इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आज अवस्थी के तो ना वही बिजी चल रहा है, वो उसके एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, अब वो लगा हुआ है बंदा, तो इस वजह से वो आ नहीं पा रहा। और आज संजू भैया इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कहीं बिज़ी थे, काम से गए हुए थे नोएडा, तो आज हम दोनों ने प्लान बना लिया कि चलो सर्विस करा लाते हैं, क्योंकि वही बात है, 6 बंदे वेट करें और उससे तो बढ़िया ही है। गाइस, विनीत भैया इसलिए नहीं आया क्योंकि यार आज ना हम काफ़ी लेट हो गए हैं घर से निकलने में। हमारा प्लान था कि हम 12 बजे निकल जाएंगे, बट राहुल भैया का प्रैक्टिकल था तो उनकी वजह से हमें वेट करना पड़ा और उनको वहाँ टाइम लग गया, तो हम काफ़ी लेट निकले। यार टाइम हो रहा है 2:30, तो काफ़ी लेट ही पहले से निकले हैं। और दूसरी बात यह कि विनीत भैया हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको होता है बिज़नेस का काम, उनका कुछ बिज़नेस है जो 4 बजे से कुछ उनका काम होता है, तो वो 4 बजे के बाद यार फ्री नहीं हो पाते हैं। आराम से वही निकालते हैं, तो इसलिए फिर हम दोनों ही आ गए हैं और सर्विस करा लेंगे, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस भी चेक कराएंगे क्या मज़ा आता है क्या नहीं। तो चलो मिलते हैं। सो गाइस, यार अभी हम आ गए हैं शोरूम पे बजाज के, वो आप देख सकते हैं सामने, शायद बोर्ड में दिखाई दे रहा हो अभी आपको, हीरो के साइड में, ये देखो अभी आ गए हम बजाज के शोरूम पर और सर्विस कराते हैं भैया की बाइक की, और उसके बाद निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको राइड का मज़ा आने वाला, बने रहिए ब्लॉग में। हो गई है सर्विस और टाइम हो रहा है 3:30, मतलब लगभग 1 घंटा हमें यहाँ पे लग गया सर्विस कराने में। और यार किसी वजह से ये अभी ना शोरूम नया खुला है, तो ये वॉशिंग सेंटर इनका अभी चालू नहीं है, तो इन्होंने बाइक अभी वॉश करके नहीं दी है, तो ये कह रहे थे हम बाहर से धुलवा के मंगवा देते हैं, बट हमने कहा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम ऐसे ही लेके चल दिए, किसी दिन या तो बाहर धुला लेंगे या खुद धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं, एक बढ़िया सी राइड मारते हैं। और गाइस, इसमें जो भी कॉस्ट वगैरह आई है ना, मैं आपको यहीं पे साइड में आपको वो दे दूंगा उसका कोटेशन, तो आप एक बार देख लीजिएगा कितना इसमें खर्चा आया है। और इसकी ये सेकंड सर्विस है जो कि फ्री है, मतलब अगर सर्विस चार्ज इसमें नहीं जोड़ते हैं तो इतना खर्चा आ जाता है। फ्री का मतलब है कि सर्विस चार्ज नहीं होता बस उसमें, बाकी जो भी हम ऑयल वगैरह चेंज होता है उसमें तो लगता है, तो मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। तो चलो अभी चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं 130 मीटर हाईवे पर, तो अभी हम मारेंगे एक बढ़िया सी राइड और उसके बाद निकलेंगे घर। काफ़ी टाइम हो गया, लेट हम पहले से ही काफ़ी हो चुके हैं, आज घर से ही लेट निकले थे और यार ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो चलो मारते हैं एक राइड बढ़िया सी खींच के। भाई राहुल भाई बिल्कुल साथ साथ चल रहा है यार मेरे, ये देखो, अरे बिल्कुल चील बन जाओगे क्या भैया। यार बहुत अच्छा लीन था अंकल ने, खराब कर दिया भाई। यार बहुत ही अच्छा लीन था यार, दिमाग खराब कर दिया अंकल ने। थोड़ा सा लीन है, कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा था यार वो राइट साइड का था ना, ये लेफ्ट का है, फर्क होता है भाई अपने हाथ में, मतलब पता नहीं, तो लगता है कि ये राइट साइड वाली ना अच्छा लीन होता है। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया।
यार सब लोग साथ में होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ये तो सीधी सी बात है, पर कोई नहीं, जैसा भी है काफ़ी मज़ा आ रहा है। कल जो वीडियो डाली है ना वो बहुत ही अच्छी है, जाके एक बार देख लो, वो ऑटो एक्सपो की है 2023 की जो ग्रेटर नोएडा में लगा था। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा यार। इससे मस्त गाड़ियाँ थी वहाँ पे और हमने कार्स भी कवर की हैं, मज़ा आ जाएगा, एक बार वीडियो देखना ज़रूर। भाई कॉन्टिनेंटल जीटी भैया आराम से ड्राइव कर रहे थे यार, भाई बहुत मस्त बाइक है कॉन्टिनेंटल 650 रॉयल एनफील्ड की है, इनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। भाई राहुल भैया खींच के चला रहे हैं यार, जो बात है मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाटी गोल चक्कर पे, यहाँ से पेरिफेरल का भी रास्ता मुड़ जाता है लेफ्ट जाएंगे तो आप, और हमें जाना है सीधे सीधे मतलब गोल चक्कर क्रॉस करके राइट, अभी सीधे चलना है, आराम से निकालेंगे। काफ़ी पब्लिक है, राहुल भैया पता नहीं कहाँ रह गए, आ गए। चलो निकालते हैं। सो गाइस अभी हम आ गए हैं गोल चक्कर पे और हम निकल रहे हैं अभी घर की तरफ और मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। बस अभी हम चला रहे हैं राहुल भैया वाली बाइक, कह रहे थे यार कुछ इम्प्रूवमेंट क्या, मतलब इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स लग रही थी तो कहने लगे आप चला के देखो, तो मैंने चला के देखी, देखना क्या यार अभी यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया, यहाँ तो हम पहुँच ही गए थे, हमने अभी चेंज की है बाइक, तो इसको ना कल अच्छे से राइड करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी इसको एक बार टेस्ट करेंगे क्या भैया प्रॉब्लम भैया को लग रही है या हमें भी लग रही है या प्रॉब्लम है ही बाइक में, तो एक बार चेक करेंगे। वो कह रहे हैं कि मतलब एक तो अच्छा पिकअप वगैरह नहीं दिखा रही बाइक, अब जबकि अभी सर्विस होके आई है, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम लग रही है उन्हें कुछ, तो देखेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में चेक करेंगे, अच्छे से इसको टेस्ट करेंगे, पूरा हम राइड करेंगे इसको, तब देखते हैं इसमें क्या है, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो गाइस अब तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं, तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं अपनी कॉलोनी के गेट पे और चलते हैं अपने घर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे पहली बार हैं तो, और कल वाला व्लॉग ना देखा हो तो देख लेना, मज़ा आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना उसको, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।